हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंतिका गर्ग और आप देख रहे हैं टैक्स एंड टिप्स। आज हम आपके लेकर आए हैं बेनामी संपत्ति कानून। बेनामी संपत्ति कानून के अंदर सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स से रिलेट करती हैं, और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी की प्रोसीड्स भी इंक्लूड होती हैं। बेनामी ट्रांजेक्शन्स होती क्या हैं? ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर एक्चुअल बेनिफिशियरी प्रॉपर्टीज़ के पेपर अपने पास रिटेन करके रखता है या उन पर उन एसेट्स के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है। यह अनदर वन डील्स इन अ फिक्टिशियस नेम, या फिर ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स जो काल्पनिक नाम से डील्स की जाती हैं वो भी बेनामी ट्रांजेक्शन्स में फॉल करती हैं। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ और डिनाइज नॉलेज ऑफ द ऑनरशिप उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसके ओनर को कुछ नॉलेज ही नहीं है। अगर ऐसे पर्सन की बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, सच एज सर्वेंट के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं कुछ लोग, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को भी हम बेनामी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल, वो पर्सन जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है वो ट्रेसेबल नहीं होता, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को भी हम बेनामी ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड करते हैं। बेनामीदार, हु इज़ द बेनामीदार? बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड। बेनामीदार वो पर्सन होता है या वो काल्पनिक नाम होता है जिसकी नाम पर वो प्रॉपर्टी हेल्ड की जाती है। नो पर्सन बीइंग अ बेनामीदार हैज रीट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम टू द बेनिफिशियल ओनर और एनी अनदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। बेनामीदार उस प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल ओनर को या उसके एजेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। If transferred, the transaction of such property shall be deemed to be null or void. अगर वो ऐसा ट्रांसफ़र या ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करता है उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, तो उसी ट्रांजेक्शन्स को नल और वॉइड मान लिया जाएगा। However, if the property is sold to the third party, लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को जो बेनिफिशियल ओनर से रिलेट नहीं रखता है, यानी रजिस्ट्री के थ्रू सेल की जाती है, तो इस केस में डिपार्टमेंट उस प्रोसीड को अटैच कर लेगा, प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। आइए बात करते हैं क्या स्टेप्स बेनामीदार के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। सस्पेक्टेड बेनामीदार विल बी सर्वड अ नोटिस बाय द initiating officer to show cause why the property should not be traded as benami property. Initiating officer benamidar ko ek notice, show cause notice issue kar sakta hai. Kyun na to aapki property ko benami property maan liya jaye. Jab tak ye matter disposed of nahi hota तब तक बेनामीदार ऐसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी मान लिया जाता है या वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी में फॉल करती है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर उसको जब्त करने के ऑर्डर दे सकते हैं। यूजुरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 1 year but which may extend to 7 years.
ऐसी प्रॉपर्टी पाए जाने पर कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है. अनदर वन इज शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. वो फाइन के लिए लाइबल भी हो सकता है जो कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू की 25% तक हो सकता है. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल बटन. थैंक यू.